कराची से कराची में 10 मिनट के दौरान फायरिंग के मुख्तलिफ वाकयात में 6 अफराद जख्मी हो गए। जी हाँ, बिल्कुल अफसोसनाक वाकया पेश आया है कराची में, जहाँ मुख्तलिफ वाकयात में फायरिंग से 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। जानते हैं दानियाल सैयद से। दानियाल, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं इन वाकयात की? जी देखिए, कराची शहर में 10 मिनट के दौरान फायरिंग से जख्मी होने वालों की तादाद में इजाफा हो गया है। जख्मी होने वालों की तादाद 6 नहीं बल्कि अब रेस्क्यू इदारों और पुलिस हुकाम की जानिब से 8 बताई जाती है। लांडी रेडीगोट में 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ, पहले डंडों के वार से हमला किया गया और उसके बाद फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 6 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तहम SSP मलीर अदील चांडियो के मुताबिक जाय वकुआ से 5 अफराद को हिरासत में लिया है। 6 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर कराची के करीबी अस्पताल जिन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानब नॉर्थ नाजाबाद ब्लॉक डी में भी फायरिंग का वाक़या पेश आया, जहाँ पर नौजवान शदीद जख्मी है, जबकि क्वारंगी नंबर 5 में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके एक शख्स को जख्मी कर दिया, जिसे कराची के जिन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम ईद के तीसरे रोज शाम होते ही कराची शहर में 10 मिनट के दौरान फायरिंग के 3 मुख्तलिफ वाकयात हुए हैं, जिनमें 8 अफराद जख्मी हुए हैं, 6 अफराद लांडी रेडीगोट में, एक नौजवान नॉर्थ नाजाबाद ब्लॉक H में और एक नौजवान कराची के इलाके क्वारंगी नंबर 5 में फायरिंग की जद में आकर जख्मी हुआ है। जी शुक्रिया दानियाल सैयद।